बात कर लेते हैं मोहन भागवत के बयान की, जिस पर सियासत गरमाई हुई है। ओवैसी ने भागवत के बयान को अपर कास्ट का बयान बताया है। मोहन भागवत सीधे तौर पर लोगों को मुसलमानों के खिलाफ हिंसा करने के लिए उकसा रहे हैं, ये बयान दिया है असदुद्दीन ओवैसी ने। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। उन्होंने कहा था कि मुस्लिम्स को देश में डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम बड़े हैं ये भावना छोड़नी होगी। इसी पर लगातार अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कोई सुपीरियर होने का कहां क्लेम कर रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं कि इक्वालिटी दो हमारे को, हमारी इक्वल राइट्स को, इक्वालिटी को आप सुप्रीमेसी समझ रहे हैं। मुसलमान सुप्रीमेसी की बात ना कभी किया है ना कभी करेगा आजाद हिंदुस्तान में। हम कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को मानते हैं, रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी को मानते हैं। हमारी लड़ाई इक्वल राइट्स की है, इसको आप सुप्रीमेसी समझ रहे हैं। आपका दिमाग ये है कि आप आर्यन सुप्रीमेसी को मानते हैं। आप ये समझते हैं कि आप रूलर हैं और हम रूल्ड हैं। वो जिस झगड़ा है असल। और इस पूरे मामले में मौलाना साजिद रशीदी ने क्या कुछ कहा है, आपको वो सुनवाते हैं। मुसलमान किसी से नहीं डरता, मुसलमान सिर्फ अल्लाह से डरता है। मुसलमान उसके अलावा किसी से नहीं डरता। मुसलमान ने 800 साल हुकूमत की है इस देश के ऊपर। इनकी कतनी और करनी में बहुत फर्क है। हमें सलाह न दें, अपने आप को ठीक करें। अरे भाई, बादशाह का बेटा तो बादशाह ही होता है। जब हमने 800 साल हुकूमत की है मुसलमानों ने, तो 800 साल का वर्चस्व तो रहेगा ना। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि हम इसको इस्लामिक देश बनाना चाहते हैं आपकी तरह। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।